हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यूलिंगो एग्जाम के बारे में। ड्यूलिंगो एग्जाम बहुत कम लोगों को पता है, और आजकल जब से कोविड का सिचुएशन आया है, जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, उसके बाद ये एग्जाम वापस से अभी मार्केट में हुई है, स्पेशली इंडिया में। सबसे पहले ये लैंग्वेज बहुत पुरानी है, लैंग्वेज टेस्ट, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ये टेस्ट दे के US, UK, कैनेडा स्टूडेंट पढ़ने जाते, पर इंडिया में इसका इतना ट्रेंड नहीं था। बट जब से लॉकडाउन हो गया, तब IDP और ब्रिटिश काउंसिल दोनों की जो ऑफलाइन एग्जाम्स होती है ना, वो एग्जाम्स बंद हो गई। तो उसके लिए पब्लिक ने आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए जो प्लान करते ना, उन लोगों ने फिर ड्यूलिंगो लैंग्वेज लेना स्टार्ट कर दिया। तो अभी थोड़ा बहुत ड्यूलिंगो लैंग्वेज का इंडिया में ट्रेंड हो गया है। अब हम उसके बारे में हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले कि एग्ज़ाम होती क्या है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, उसकी फीस क्या होती है, उसका स्कोर क्या होता है, उसका एक्सेसिबिलिटी कौन से कंट्री तक की रहती है, उसके बाद उसके अंदर आप कितने टाइम्स एग्ज़ाम दे सकते हो पूरे मंथ में, फिर उसका टाइप किस तरह का रहता है, उसको उसके लिए आपको मतलब ड्यूलिंगो एग्ज़ाम के लिए आपको कितने अटेम्प्ट्स देने रहते हैं वो, उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन स्टाइल होता है उसका ड्यूरेशन किस तरह का रहता है, और उसके बाद आपके जो बैंड होते हैं वो बैंड IELTS में काउंट होते हैं, और इसमें यहाँ पे PTE के जैसे आपके स्कोर काउंट होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स में हम एक एक को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। हम बात करते हैं फॉर्मेट की। तो ये एग्जाम होती है टोटल इंग्लिश टेस्ट लेवल की, और इसके अंदर फॉर्मेट ऐसा कुछ होती नहीं, क्वेश्चन आंसर और थोड़े बहुत वीडियो ऑडियो जिस तरह की एग्जाम रहती है, तो इसका फॉर्मेट ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके बाद उसका होता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन होती है आपकी 60 मिनट की एग्जाम रहती है, उसके अंदर 45 मिनट का एडेप्टिव होता है, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर जो भी पूरे टेस्ट का प्रोसीजर होता है वो फॉलो करना पड़ता है, और लास्ट 10-15 मिनट होती है जिसमें आपका इंटरव्यू रहता है। बट हाँ, उसके जो मार्क्स आपका इंटरव्यू का होता है लास्ट 10-15 मिनट का, वो आपको काउंट नहीं किया जाता। 45 मार्क्स में से ही आपके जो स्कोर बनते हैं वो आते। उसके बाद हम आपको डिस्कस करते हैं आपके साथ की फीस। उसकी फीस होती है $49 इंडिया के अमाउंट के हिसाब से, 3600 के अप्रोक्सीमेटली इतनी कॉस्ट रहती है, एज कम्पेयर टू IELTS ये कम रहेगी आपको। उसके बाद उसके स्कोर का किस तरह का काउंटिंग होता है, 10 से लेके 160 तक के इसके स्कोर होते हैं, इन बिटवीन आपको स्कोर लाने होते हैं, जिसके स्कोर के हिसाब से आपको कॉलेजेस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप सेट हो सकते हो। उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी किस तरह की है, तो कैनेडा, UK, ऑस्ट्रेलिया और सबसे ज़्यादा कंट्री जो एक्सेप्ट करती है ड्यूलिंगो लैंग्वेज वो कैनेडा होती है। सेकेंड प्रायोरिटी में हम USA को काउंट करते हैं, और उसके बाद बाकी सब कंट्रीज में बहुत सारी कॉलेज धीरे धीरे एक्सेप्ट करती है ये टेस्ट को कंपेयर टू IELTS। और कैनेडा में 400+ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ये टेस्ट का रिजल्ट एक्सेप्ट करती है, जब स्टूडेंट स्टडी के लिए अप्लाई करता है तब। उसके बाद हम बोलते हैं कि एक महीने में आपको ड्यूलिंगो टेस्ट देनी है, तो आप कितने टाइम दे सकते हो, तो 2 times दे सकते हो, और इसका रिजल्ट आपको विद इन 2-3 days में आपको मिल जाता है, बेस्ड ऑन जो भी सिचुएशन अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से। उसके बाद आप उसके टाइप किस तरह की होती है, जो मैंने आपको बताई IELTS होती है, और दूसरी जो एग्ज़ाम्स होती है लैंग्वेज टेस्ट, उसमें आपको ऑफलाइन देना पड़ता है। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है, और आप घर के अंदर ही आपके लैपटॉप और आप में अच्छा कैमरा सेट करके घर पे बैठ के ही एग्ज़ाम दे सकते हो, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट रहता है कि इजीली आप घर बैठे एग्ज़ाम दे सकते हो, 45 मिनट और 10 मिनट का इंटरव्यू, तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चंस के बारे में आपको बताती हूँ। क्वेश्चन उनके जो मिनिमम होते हैं वो 30 सेकेंड का क्वेश्चंस होता है, और मैक्स क्वेश्चन होता है वो 5 मिनट तक का होता है। तो इन बिटवीन के ड्यूरेशन में कभी 30 सेकेंड का, कभी 1 मिनट का होता है, 2 मिनट या 3-5 मिनट्स तक के क्वेश्चंस रहते हैं जिसके अंदर आपको आंसर देने रहते हैं। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप IELTS के एग्जाम के लिए टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वही एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो ही प्रिपरेशन के बेस पे आप ड्यूलिंगो टेस्ट आराम से दे सकते हो। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका स्कोर किस तरह से IELTS के हिसाब से काउंट होता है। जैसे इसमें जो स्कोर आपके होते हैं 105 आपका स्कोर आता है, जैसे मैंने आपको बताया 10-160 के बीच में आपका रिजल्ट होना चाहिए, तो अगर 105 आता है तो आपका काउंट होता है 6 बैंड, और 120 स्कोर आता है तो आपका 7 बैंड काउंट होता है।
तो फ्रेंड्स, आपको आज पता चल गया होगा कि ड्यूओलिंगो एग्जाम होती क्या है और उसके जो क्राइटेरियाज है वो कर सकते हो। तो जिसको आईएलएस की प्रिपरेशन नहीं करनी होती है, तो उनके पास ये एक ऑप्शन रहता है, वो कम टाइम के अंदर, और जिसका इंग्लिश लेवल बहुत अच्छा होता है, जिसके ऑन एन एवरेज 6.5-6 के आसपास बैंड आते हैं, वो लोग के लिए भी ये एग्जाम देना ईजी हो जाता है। बिकॉज ऑफ इसमें एज सच इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता और टाइम ड्यूरेशन कम होती है, तो ईजी हो जाता है। मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।